देखिए भगवान श्री राम का पैर जब एक शिला से टकराया फिर क्या हुआ। इंद्रगढ़ क्षेत्र के अनंतपुर और गुंदारा गांव में चल रही भागवत कथा में आचार्य मुनिन्द्र जी ने बताया कि जब श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ अयोध्या में सीता स्वयंवर में जा रहे थे तभी अचानक उनका पैर एक शिला से टकराया जिससे अहिल्या नाम की स्त्री प्रकट हुई। इसके बाद अयोध्या में धनुष तोड़कर सीता के साथ विवाह कर पिता की आ मानकर वन के लिए चले गए। वहीं गुदारा गांव में कथावाचक महेश चंद्र जी ने सीता स्वयंवर की कथा सुनाई और कहा भगवान राम जैसा पुत्र नहीं होगा जिन्होंने अपने पिता की आ मान राज्य त्याग कर वन चले गए। इस मौके पर दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। रिपोर्टर दर्शन राजपूत, इंद्रगढ़, कन्नौज। गौरी की माला डाली है, माला के साथ सीधे तुम्हारे मन की कामना पूरी हुई। जो वरदान प्राप्त हुआ है विश्वामित्र की माध्यम से रंगशाला को सजाया है राजा जनक ने, मिशाल मिथिला महोत्सव। विश्वामित्र भगवान राम से सावतार लक्ष्मण बड़े हाव भाव के साथ में चले जा रहे हैं। आगे आगे मुनिवर है और उनके पीछे से भगवान राम, सबसे पीछे लक्ष्मण चले जा रहे। जैसे ही मिथिला में प्रवेश किया है भगवान राम ने, चले सकल ग्रह काज बिसारी, अपाल जुबान जरठ नर नारी। चले सकल पाया है कि सत्य क्या है। कभी मेरी परिवार सत्य मानता हूं तो उसके लिए फूल पसीना ये कर रहा हूं, और कभी कभी जब परिवार ही मेरा मेरे साथ धोखा करता है तब मैं ईश्वर को सत्य मान मार के और उसके नाम का गुणान बात करने लगता हूं। इसलिए सुविधा में दोनों गए, माया भी लड़ना आवेदन आपसे है, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर।